आज पूरे प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग ने 31,277 नए शिक्षकों की नियुक्ति की है, जिसके तहत बांदा में जिले के प्रभारी मंत्री लाखन सिंह राजपूत ने 235 नव नियुक्त शिक्षकों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस दौरान जनपद के चारों विधायक, सांसद और जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। पूरा मामला बांदा मेडिकल कॉलेज का है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जनपद के प्रभारी मंत्री लाखन सिंह राजपूत ने आज बांदा के स्थानीय मेडिकल कॉलेज के प्रेक्षागृह में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम में जनपद से चयनित 235 नवनियुक्त शिक्षकों को प्रमाण पत्रों का वितरण कर उन्हें नए दायित्व के लिए बधाई दी। नवनियुक्त अध्यापकों में कई शिक्षा मित्र भी हैं, जो अब सहायक अध्यापक के पद पर चयनित हुए हैं। प्रमाण पत्र मिलने के बाद नवनियुक्त शिक्षक काफी खुश दिखाई दिए। उनका कहना है कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसको वो पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। वहीं कुछ शिक्षकों में इस बात का रोष भी था कि नियुक्ति में काफी विलंब हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री ने इस दौरान कहा कि प्रदेश में पहली बार इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर नियुक्ति पत्रों का वितरण किया गया है। इस मौके पर बांदा सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी, बबेरू विधायक चंद्रपाल कुशवाहा, नरेली विधायक राजकरण कबीर, तिंदवारी विधायक ब्रजेश प्रजापति, बांदा चित्रकूट सांसद आरके सिंह पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष रामकेश निषाद व जनपद के जिलाधिकारी मौजूद रहे। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत कम खुशी हो रही है कि इतने दिनों बाद हमारी ज्वाइनिंग हो रही है। अब इसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, यहाँ के जाने के बाद में क्या करेंगे आप लोग? जैसा निर्देश दिया गया है कि हमें पीएसए ऑफिस में अटैच किया जाएगा और फिर माननीय मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार जो सर्वोच्च न्यायालय का आज देश और प्रदेश के इतिहास में पहली बार इस तरह का आयोजन नियुक्ति पत्र दे करके शिक्षकों का सम्मान करने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने किया है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज पूरे प्रदेश में 31,000 से ज़्यादा लगभग शिक्षकों को इस तरह से जगह जगह सम्मानित करने का काम किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं करने का काम भी करके और बांदा जनपद में मैं समझता हूँ पहले नंबर पर उन्होंने बांदा को पुकारा है और बांदा से एक लड़के से जो शिक्षक है उससे बात किया और उसको बधाई दिया। बांदा जो पूर्व से शिक्षा मित्र या शिक्षक मित्र या भक्ति बने आंदोलित हो रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का अनुपालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र पारदर्शिता के आधार पर जारी किए गए हैं और उनको आज प्रत्येक जनपद में जहाँ जहाँ नियुक्ति पत्र बटने थे वहाँ पर आज कार्यक्रम नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित करके शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। इसलिए ये आयोजन आज पहले पहली बार हुआ है। हाँ, इसके पीछे क्या उद्देश्य था? ये पहली बार देखिए ऐसा है कि जो नियुक्ति पत्र वितरित करने का कार्यक्रम प्रत्येक जनपद में आयोजित किया गया है और ये पहली बार क्योंकि पूर्व सरकारों ने उनका चिंतन शिक्षा की तरफ नहीं था। उत्तर प्रदेश सरकार जो वर्तमान सरकार है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा पर बृहद चिंतन करते हुए शिक्षा को गुणवत्ता के आधार पर बढ़ाने के लिए पारदर्शिता के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की है। बांदा से जीतू श्रीवास की रिपोर्ट।